हमारे पास एक टॉपिक है, नाम है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर आपको याद होगा तो पहले चैप्टर आते आते मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इस दुनिया में कोई भी लिविंग है उसमें एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जरूर होती और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जरूर रखता है और इसका नाम है मेटाबॉलिज्म। इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेटाबॉलिज्म तो आप बोलेंगे सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, गड़बड़ हो गया? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उनका सम टोटल कहलाता है मेटाबॉलिज्म। और ये सारी की सारी रिएक्शन सेल के अंदर चल रही हैं, इनसाइड द सेल। तो मेटाबॉलिज्म में मेनली दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो आप किसी भी सेल में घुसेंगे आपको दो तरीके के रिएक्शन मिलेंगे, वन इज, दूसरी एनाबोलिज्म में जो सबस्ट्रेट होंगे वो स्मॉलर होंगे, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल, दे कन्वर्टेड इनटू लार्जर मॉलिक्यूल और मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। व्हाट इज पी, प्रोडक्ट। व्हाट इज एस, जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बने सिंपल मॉलिक्यूल से, व्हेन द सिंपल मॉलिक्यूल दे कन्वर्टेड इंटू कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज। कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए इन्हें बोलते हैं एनाबोलिज्म, और इसीलिए एनाबोलिज्म को हम लोग बिल्डिंग अप प्रोसेस बोलते हैं। हम ये मानते हैं कि यहां पर चीजें बिल्ड अप हो रही हैं, बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना। बट वेन इट इज अपोजिट ऑफ एनाबोलिज्म, वेन द लार्ज मॉलिक्यूल, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल ओके, तो जब भी कभी कोई लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाए इट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। यहां पर सबस्ट्रेट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स है और प्रोडक्ट सिंपल है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग अप। हमारी कोशिकाओं में बिल्डिंग अप रिएक्शन और ब्रेकिंग अप रिएक्शन चलती रहती है। इन दोनों रिएक्शन की खूबियां ये हैं कि इन दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते रहते हैं और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग होते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन रहे हैं या तो सिंपल। और चूंकि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं मेटाबॉलिज्म से,
सो इन प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स. द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट्स. दीज प्रोडक्ट्स आर नोन एज मेटाबोलाइट्स. और इन्हीं मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल लिविंग है, यानी सेल के अंदर यही रिएक्शन है जो उसको लिविंग कंडीशन दे रही है, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. चलो अब इतना सिंपल सी कहानी आप मुझे बता दो. मैंने बोला मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन. आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उनका नाम मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार की? एनाबोलिज्म. और एनाबोलिज्म इज बिल्डिंग अप. कैटाबोलिज्म इज छोटे छोटे मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल. लार्ज मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल. तो चाहे एनाबोलिज्म हो चाहे कैटाबोलिज्म हो, बनेंगे क्या? प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म, दे आर नोन एज. अब सुनना, दुनिया में जो भी जिंदा है, जो भी जिंदा है उसने मेटाबॉलिज्म की है. सो द मेटाबॉलिज्म विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग कंडीशन, लिविंग स्टेट, जिंदा रहने के लिए जिन भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की जरूरत है, दीज आर नोन एज प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात है, दोबारा फिर से बोल दे रहा हूं, सुन लो. बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की वो सारी रिएक्शन जिसकी वजह से आप जिंदा हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्राइमरी. अगर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में ना होती तो आप जिंदा होते कि डेड होते? यानी लिविंग की नॉन लिविंग. तो बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के जितने प्रोडक्ट हैं दे आर नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. बोलो क्या नाम है? गड़बड़ कर दिया आपने, समझा नहीं आपने. बताओ आपकी बॉडी में जो रिएक्शन आपको जिंदा रख रही हैं वो मेटाबॉलिज्म तो है, लेकिन व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी? क्योंकि अगर वो ना होती तो आप जिंदा, तो आपके लिए सबसे ज्यादा प्राइमरी बात क्या है? जिंदा रहना. तो आप जिंदा होने के लिए जो मेटाबॉलिज्म हुई दैट इज नोन एज प्राइमरी. और प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के जो भी प्रोडक्ट होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के जितने भी प्रोडक्ट होंगे दे आर नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. बोलो क्या? बोले सर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं? अभी अभी पढ़ाए थे मैंने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, चार दो तीन दिनों से वही पढ़ा रहा हूं. नाम बताओ प्राइमरी टाइप. बोलो कुछ नहीं आया. सुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, याद आ गया? इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस एटसेट्रा, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. केवल एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दोगे सही लगेगा. अगर बेटा सेल में प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ना होती, क्या ना होती? तो आप जिंदा होते? तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. तो बताओ दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कम से कम क्या करेगा? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. बताओ हर ऑर्गेनिज्म कौन सी मेटाबॉलिज्म करता है? पर याद रखना तीन लोगों का नाम, एक तो प्लांट्स, दूसरे फंगस और तीसरे माइक्रोब्स. ये लोग प्राइमरी मेटाबॉलिज्म तो करते ही है, इस प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के अलावा ये सम एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म करने लगते हैं. सम एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म. आप याद रखिए जो भी एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म होती है वो बहुत नेसेसरी नहीं होती. जैसे बोला मेरे पास दो एक्स्ट्रा कॉपी हैं. एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि उनका यूज होता तो वो एक्स्ट्रा नहीं होती. यस और नो? तो बोलते हैं देयर आर सम एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म अदर देन.
वो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म हो सकता है सिक्रीशन के लिए हो सकता है एक्सक्रीशन के लिए हो, किसी और काम के लिए हो. देयर आर सम एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पाइट ऑफ, किसके अलावा? दीज एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म. इन मेटाबॉलिज्म को हम लोग सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. बताइए कौन बहुत जरूरी है? प्राइमरी के बिना जिंदा, लेकिन कौन होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा. सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सोच लो, अगर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म भी जरूरी होती तो एनिमल इस दुनिया में बचते कि मर जाते, क्योंकि एनिमल सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं. कौन कौन करता है? प्लांट, फंजाई, यानी हम लोग सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, हमारी जितनी मेटाबॉलिज्म है वो और बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट हैं, द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. काफी दूर निकल आया हूं मैं, अगर आप यहां तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर पूरा टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा, फिर से पढ़ाना पड़ेगा. चलो, हमारे टॉपिक का नाम था प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी. अब जवाब देना, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पढ़ाने की बजाय मैंने सिंपल शब्द पढ़ाया, बोलो मेटाबॉलिज्म. डेफिनेशन क्या थी? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन. पक्का? जो सेल में कौन से चल रही है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल, दिया दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म. कितने प्रकार की? वन इज, दूसरा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल से छोटा वाला. पक्का? कौन बिल्डिंग अप है, कौन ब्रेकिंग अप है? एनाबोलिज्म में भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैटाबोलिज्म भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या इन्हें मेटाबोलाइट बोलेंगे? अभी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं कहा. मेटाबोलिज्म के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनका नाम मेटाबोलाइट. अब मैंने मेटाबॉलिज्म को अलग तरीके से बोला, प्रेफरेंस की तरीके से बोला. वो मेटाबॉलिज्म जिनके बिना जीवन संभव, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, नाम बताओ. हाँ, और प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट का नाम और उनके एग्जांपल सुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड. ये हमारी बॉडी में ना होते तो हम जिंदा, डीएनए होता तो हम, डीएनए ना होता तो हम जिंदा, आरएनए ना होता तो जिंदा, सुगर ना होती तो जिंदा. मजाक मत करो बेटा, सुन लो, समझ में आ जाएगा. प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट का नाम प्राइमरी मेटाबोलाइट, और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दुनिया में कोई भी प्राणी हो, दुनिया में एक मेटाबोलिज्म जरूर करेगा, बोलो कौन, और एक प्रोडक्ट जरूर बनाएगा, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. लेकिन कुछ प्राणी प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के साथ साथ एक एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म करते हैं. नो, यस और नो? तो बताओ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म किसके लिए हो सकती है? सिक्रीशन, एक्सक्रीशन. पौधे गोंद निकालने लगते हैं, पौधे लैटेक्स निकालने लगते हैं. आप बेटा कुछ पौधों को तोड़ो, उनमें मिल्क जैसा एल्कलॉइड निकलने लगे. बताओ ये सब चीजें किसके लिए? सिक्रीशन और एक्सक्रीशन. बताओ ये मेन मेटाबॉलिज्म है कि एक्सेसरी? एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म है, और उस एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म का नाम सेकेंडरी, और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट. गोंद ना निकले तो पौधा मर जाएगा क्या? ऐसा कोई नहीं, बहुत सारे पौधे हैं जिनमें गोंद नहीं निकल. तो बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म. एक और बात सुनना, और एनसीईआरटी में घर में जाके जरूर अंडरलाइन करना. बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन अभी भी कंट्रोवर्सियल है, कोई श्योर नहीं बता सकता कि ये क्यों निकल रहे हैं. कोई कहता है एक्सक्रीशन के लिए, कोई कहता है सिक्रीशन के लिए, कोई कहता है हमें नहीं मालूम ये किस लिए निकल रहे हो, क्यों प्लांट कोई सिक्रीटरी सब्सटेंस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकाल रहे हैं.
फंक्शन कई बार अननोन है, पर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो लोग निकालते हैं उनके लिए भले फंक्शन अननोन हो, लेकिन जो नहीं निकालते वो कौन है, उनके लिए बड़े यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। बताओ गोंद प्लांट के लिए यूजफुल है कि नहीं है? नहीं, नहीं। पर ह्यूमन के लिए? एल्कलॉइड प्लांट के लिए यूजफुल है कि नहीं? हमारे लिए है। कल हमने कैनाबिनॉइड्स पढ़ाए, प्लांट के लिए क्या यूज है हमें नहीं मालूम, हम तो नशा करेंगे। यस यस और नो? बताओ। नो सर। नो सर मतलब नशा नहीं। तो वो एल्कलॉइड किसी के लिए यूज आए ना आए, लेकिन एनिमल तो जो निकालता है उसके लिए फंक्शन क्या है? अननोन। नोन के अननोन, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। और जो नहीं निकालता, बाहर जाइए भाई, लेट मत आइए, आओ बैठो फिर बताओ। तो जो नहीं निकालते उनके लिए यूजफुल कि अनयूजफुल? यूजफुल। तो बताओ कितने प्रकार के मेटाबोलाइट? एक और, और एक, और आपकी बुक में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक पूरा का पूरा चार्ट दिया है, उस चार्ट को याद करना है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के इस चार्ट को याद कराने के जुगाड़ में तुम्हें बता दे रहा हूं, फिर आप इसे याद करके कल मुझे सुना भी देंगे। चलिए भाई, आप लोगों की बुक में जो सबसे पहला सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिखा है वो क्या लिखा है? पिगमेंट। पिगमेंट वैसे तो बहुत सारे पिगमेंट्स मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पिगमेंट मैंने बताए थे, याद करो। आपकी बुक में दो पिगमेंट के नाम दिए हैं, देखो, एंथोसायनिन। क्या ये फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके अलावा कैरोटीनॉइड, फिर से बोलो, उसके आगे एटसेट्रा लिखा होगा, लिखा है? यानी जितने भी पिगमेंट हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्ट हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंथोसायनिन मेम्ब्रेन में होता है कि सैप में? सेल सैप इज द फ्लूड ऑफ, भूल गए, और जब भी मैंने वैक्यूल पढ़ाया था तो बताया था इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल की वेस्ट मटेरियल, इसका मतलब एंथोसायनिन को भी क्या माना जाएगा? वेस्ट। सिक्रेटरी के एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीट, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल पौधों को कलर देता है? yes, पौधों को की फ्लावर को? तो याद रखना, एंथोसायनिन और कैरोटीनॉइड दो पिगमेंट आपकी बुक में दिए हैं। कभी भूल जाओ तो एंथस मतलब फ्लावर, साइनिन मतलब ब्लू, और कैरेट का कलर किसका कलर? तपेद तपेद, कैसा? लाल लाल, ऑरेंज ऑरेंज। yes, जो भी कैरेट का कलर है उसकी वजह क्या है? कैरेट। पिगमेंट के बाद आपकी बुक में क्या दिया? एल्कलॉइड। बड़े कमाल के चीज है ये एल्कलॉइड। ये बेटा मिल्की सिक्रीशन है या फिर अलग अलग टाइप के सिक्रीशन है, याद रखना। एक नाम दिया गया है आपकी बुक में, कौन सा? मॉर्फीन। किसी को मालूम है किस पौधे से? बोलो। ओपियम। नेचुरल। नेचुरल की सिंथेटिक, इसका सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है। स्नैक और पेन किलर काम आता था? पेन किलर। सिडेटिव था? सिडेटिव था। पौधों के लिए था कि एनिमल के लिए? एनिमल के लिए पेन किलर था, पौधा थोड़ी ना पेन किलर के लिए निकालता। मॉर्फिन, ओपियम पॉपी, पौधे का नाम याद रखना, ओपियम पॉपी, इस पौधे से निकालते हैं इसे। मॉर्फिन के अलावा आपकी बुक में क्या दिया है? कोकेन। कोकेन दिया है? अच्छा कोडीन दिया है। अच्छा कोडीन लिख लो भाई, कोडीन याद रखना। कोडीन बहुत ही बढ़िया कंपाउंडेड इज एक्सपेक्टोरेंट। अगर आपको खांसी आ रही है और आपका बलगम स्पुटम बाहर नहीं निकल रहा है तो हम आपको कोडीन खिलाएंगे और आपकी बार खांसी में आपका स्पुटम बाहर आ जाएगा। तो पहले बहुत सारे कफ सिर्फ ऐसे हुआ करते थे जिनमें कोडीन पाया जाता था, लेकिन कोडीन की प्रॉपर्टी थोड़ी नशीली है, इसलिए ये कोडीन लोग नशे में यूज करने लगे।
तो कब सिरप को खांसी के लिए पीने लगे कि नशे के लिए? तब से ज्यादातर कप सिरप में कोडीन हटा दिया गया। अभी आपको जो कोरेक्स वगैरह सिरप मिलेंगे उनमें कोडीन की मात्रा या तो कम कर दी गई या तो हटा दी। याद रखना, कभी पूछा जाए कोडीन किस काम आता है, इट इज नोन एज एक्सपेक्टोरेंट, बलगम को, स्पुटम को बाहर निकालने के काम आता है। मॉर्फिन किस काम आता है? मॉर्फिन और कोडीन के अलावा मैं दो चीजें और बताऊंगा। आप कॉफी पीते हो, ये लीगल है, इसको पिए, खूब पीजिए। इसमें कैफीन नाम का सब्सटेंस होता है, कैफीन। और जब आप चाय पीते हो, टी, इसमें थीन नाम का कंपाउंड है, थीन। तो कल के कंटिन्यूएशन में आपको दो प्रोडक्ट और मिल गए, कॉफी में कैफीन। कोई मुझे बोला है चॉकलेट में क्या होगा? कैफीन, वही कॉफी वाला मटेरियल रहता है। और टी में क्या होता है? थीन। तो एल्कोलाइड आपकी बुक में दो दिए हैं, मैंने चार लिख दिए, चारों के नाम बताओ। मॉर्फिन, कोडीन, कैफीन, थीन। चलो बताओ मॉर्फिन किस काम आएगा? पेन किलर और सिडेटिव के काम आएगा। व्हाट इज द सिडेटिव? सोने के काम। अच्छा, पेन किलर मतलब दर्द खत्म करेगा। कोडीन का काम क्या है? क्या ये आपका स्पुटम बाहर करेगा? तो कभी किसी कफ सिरप में आप देखिए, जहां कोडीन हो देखिएगा, उसके आगे लिखा होगा दिस सिरप इज एक्सपेक्टोरेंट। व्हाट इट मींस? ये बलगम को सुखाएगा कि निकालेगा? इसके अलावा दो और बोलो, कौन? कॉफी में कैफीन, चाय में। इसके बाद तीसरा ग्रुप क्या है? दीज आर नोन एज टर्पीन्स, टर्पिनोइड्स और टर्पीन्स, टर्पीन डेरिवेटिव। और दो टर्पीन आपकी बुक में दिए गए हैं, एक मोनोटर्पीन और दूसरा डाइटर्पीन। आगे चल के मैं आपको एक एसिड पढ़ाऊंगा जिब्रेलिन्स के नाम से, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन्स आर ऑल्सो टर्पीन्स। बुक में दो दिए, मैंने तीसरा लिखवा दिया, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, जिब्रेलिन्स। ये सब प्लांट हार्मोन है। अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं, इसलिए मैं मिटाऊंगा और ये तीनों लर्न करके बताओ मुझे। पिगमेंट याद है? दो दिए, बोलो। फ्लावर का कलर एंथोसायनिन, और बेटा कैरेट वगैरह, टोमेटो वगैरह का कलर, कैरेट और टोमेटो का कलर कैरोटिनॉइड। तो पिगमेंट में दो हो गए, पिगमेंट के बाद दो दिए, मैंने चार बताए, बता दोगे? बोलो। मॉर्फिन, पक्का? चारों हो गए। आज इसके बाद टर्पीन, बहुत अच्छे नाम है, मोनोटर्पीन और जिब्रेलिन। हो गया, अगला कम्पाउंड एसेंशियल। देखो सुनो, ये रट्टा मत मारो तो अच्छा है। जिसका भी तुमने इत्र सुना हो, परफ्यूम सुना हो, इत्र, वो सब एसेंशियल ऑयल से ही बनते। अब मैं देखता हूं तुमने इत्र कितने प्रकार के सुने। रोज ऑयल, गुलाब का इत्र नहीं सुना? रोज ऑयल इज अ एसेंशियल ऑयल। सैंडलवुड ऑयल, कोई चप्पल पहने उसकी सैंडल से वुड ऑयल का। चंदन से भी तेल निकलता है, यस। लेमन ऑयल, बोलो। लेमन ग्रास नहीं, मैं बचपन में बहुत करता था। मम्मी पापा, पापा जी संतरे लेके आते थे तो मैं संतरे खा लेता था। दीदी मुझसे बड़ी थी, दीदी को मालूम था सुनील क्या करेगा, मैं उसके छिलके उठाता था और मैं दीदी की आंख में डाल देता था। दीदी को मालूम था कि डाल नहीं आ रहा, फिर भी वो इतनी प्यारी होती हैं बहनें कि वो बैठी रहती थी। फिर मैं जब डाल देता था फिर वो रोने लगती थी, फिर मैं तालियां बजाता था। देखा तुमने किया है, किया है? तुम्हारी दीदी चाटा मारती होगी, मेरी नहीं मारती, अच्छी थी। तो जितने भी ऑयल आपने सुने हैं जिनसे परफ्यूम बना सकते हैं वो इसेंशियल ऑयल हैं। कैसे हैं? अब पता नहीं क्यों आपकी बुक में केवल लेमन ग्रास ऑयल दिया गया, लेमन ऑयल नहीं दिया, लेमन ग्रास ऑयल। इनको चार पांच और बता दो, बताओगे? बोलो कौन? रोज ऑयल,
जैस्मिन चमेली का तेल, जैस्मिन ऑयल, ओके ला सैंडलवुड ऑयल, ओके सैंडलवुड ऑयल, इसके अलावा लेमन ऑयल हो गया, नहीं हुआ, लेमन ऑयल, लेमन ग्रास अलग है, लेमन ऑयल अलग है, डिओड्रेंट ना बताने लगना, हाँ बोले फॉग क्या चल रहा है, फॉग, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिओड्रेंट एंड परफ्यूम, डिओड्रेंट केमिकल है, परफ्यूम नेचुरल चीजों का एक्सट्रैक्ट है, इत्र और वो जो परफ्यूम जो तुम और निकालते हो वो वाले लोग क्या है, कन्नौज में क्या बनता है, डिओड्रेंट की इत्र, इत्र जो होते हैं वो बेटा नेचुरल चीजों के बनते हैं, गुलाब का तेल, चमेली का तेल, चंदन का तेल, केले का अच्छा बेला, बेला चमेली, समझ गए अच्छा भाई आपकी बुक में कौन सा लेमन की लेमन ग्रास, लेमन ग्रास है तो भाई एक लिखा है चार बता दिया, और अगर कभी भूल जाओ तो भूलना मत, जिसका इत्र याद है बोल देना, मैं पूछूं चलो एसेंशियल ऑयल के नाम बताओ, तुम्हें लेमन ग्रास याद नहीं आ रहा, बोलो सैंडल फेंक के मारेंगे, है ना, नहीं भाई सैंडल वुड, आगे बोलो टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, बेटा सुन लो कहो काम ही आ जाए, क्या पता काम ही आ जाए, क्वेश्चन ही आ जाए, एक पौधा हुआ है रत्ती, इसे बोलते हैं तोला मासा रत्ती, वजन करने के वजन है ये, सोने को तोलने के लिए वजन यूज करते हैं, रत्ती भर सोना, रत्ती एक सीड का नाम है, और ये सीड जिस प्लांट से निकलता है उसका नाम है एब्रस पेक्टोरिस, और इस एब्रस पेक्टोरिस में से के सीड से हम ऑयल बनाते हैं या फिर टॉक्सिन बनाते हैं, दैट इज नोन एज एब्रिन, बहुत खतरनाक टॉक्सिन है, हाँ भाई एब्रिन किससे निकालते हैं, एब्रस पेक्टोरिस, थैंक यू वेरी मच, रत्ती के सीड को एब्रस पेक्टोरिस का सीड बोलते हैं, एब्रिन निकालते हैं, और इसके अलावा एक पौधा है हमारे गांव में, इसको अरंडी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे अंडी का पौधा भी बोलते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस अरंडी और अंडी, अंग्रेजी में इसे रिसिनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसिनस, चुप रहो, इस रिसिनस के प्लांट से एक टॉक्सिन निकालते हैं रिसिन और द राइसिन, न्यूरोटॉक्सिन है, बहुत खतरनाक है, सॉरी कार्डियो और कार्डियोटॉक्सिन है, आपके हार्ट अटैक को ला देगा, अगर मैं आपकी बॉडी में टॉक्सिन डाल दूं थोड़ा तो नेचुरल हार्ट अटैक की तरह मिमिक होगा, आप मर जाएंगे, अगर कभी कोई रिसेंट मूवी में राजी मूवी देखना कभी तो राजी मूवी में यही टॉक्सिन यूज करके उसने मारा था, इट इज नोन एज राइसिन, तो एब्रिन और राइसिन दो टॉक्सिन है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, एकदम शांति से बताओ एब्रिन किससे, एब्रस पेक्टोरिस, और राइसिन किससे, रिसिनस, और ये दोनों टॉक्सिन आपकी बुक में दिए गए हैं, इनके नाम याद रखना, ऐसा नहीं कि केवल यही एक वो टॉक्सिन है, टॉक्सिन बहुत है पर एनसीईआरटी में दो हैं, तुम्हें लर्न होने चाहिए, टॉक्सिन के बाद लैक्टिन्स दिए गए हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड, बहुत तरीके के कंपाउंड हैं, जिनका एक नाम है कॉनकैनावेलिन ए, कॉनकैनावेलिन ए आप लर्न कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कॉनकैनावेलिन ए, इसके बाद ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, कल भी मैंने सिखाया था, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, इसका यूज भी हो सकता है, और मैंने बताया था यूज के तीन पॉइंट और एब्यूज, पहला इंटेंशन और पर्पस, दूसरा अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, याद है मेडिसिनल पर्पस से यूज किया तो यूज,
और अगर नशे से तो कम अमाउंट में किया तो यू, ज्यादा में फ्रीक्वेंसी कम की तो बार बार खाया तो। खैर ड्रग्स में दो ड्रग्स के नाम है, एक बेटा पौधा हुआ विंका रोजिया, नाम सुनना विंका रोजिया, इस पौधे को हम सदाबहार बोलते हैं, सदाबहार का पौधा गांव में इजिली अवेलेबल है, सदाबहार का पौधा। ये उसी श्रेणी का पौधा है जिसको हम लोग बेसरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहीं पर भी डालो ग्रो कर जाता है, बेहाया, अरे कुछ भी हो, अभी बेहाया और बेसरम नहीं, बोलो कौन, सदा। पौधे का नाम है विंका रोजिया। इस विंका रोजिया पौधा से दो ड्रग्स निकाली गई, एक विन क्रिस्टिन और एक विन ब्लास्टिन, और ये दोनों की दोनों ड्रग एंटी कैंसरस हैं, कैंसर में यूज करते हैं, एंटी कैंसरस हैं, और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में बड़ा काम आ रही है फीमेल के। विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन याद रखना, हम लोगों से बोला जाता है अगर आपको कोई अंदरूनी चोट लग गई, आप गिर गए हैं, तो आप हल्दी खाइए, या फिर लोग आपको हल्दी दूध सलाह देते हैं, ये नॉर्मल हल्दी से उतना फायदा नहीं होगा जितना आमा हल्दी से फायदा होगा। ये आयुर्वेदिक हल्दी है, आमा हल्दी इज ऑल्सो नोन एज कुरकुमा अमाडा, ये हल्दी का नाम है कुरकुमा अमाडा। ये हल्दी का एक वाइल्ड वेराइटी है कुरकुमा अमाडा, और कुरकुमा अमाडा से हम एक मेडिसिन बनाते हैं कुरकुमिन। कुरकुमिन तो आपकी बुक में विन ब्लास्टिन शायद नहीं है, विन क्रिस्टिन शायद नहीं है, विन क्रिस्टिन नहीं है, विन ब्लास्टिन और कुरकुमिन दी गई हैं, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा पढ़ा दी, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन दोनों किससे निकाली गई, विंका रोजिया किससे निकाली गई और कुरकुमा अमाडा से कुरकुमिन। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, अगर आपको चोट आई है तो आपकी स्वेलिंग को कम करेगी और दर्द कम करेगी। जब आपको मार पड़ती है तो फिर मम्मी पहले मारती है फिर हल्दी दूध पिलाती है, क्यों, उन्हें मालूम है चोट लग गई है तो हल्दी दूध से थोड़ा स्वेलिंग कम होगी दर्द कम होगा, पर नॉर्मल हल्दी पिलानी चाहिए कि क्या नाम है कुरकुमा अमाडा से एक सब्सटेंस निकालते हैं कुरकुमिन। फिर से बोलो, ऐसा नहीं कि केवल यही दो मेडिसिन है, क्या तुमने एंटी मलेरिया ड्रग का नाम सुना है, बोलो क्या, क्विनीन, बोलो क्या, सुने हो, बार्क ऑफ सिंकोना, सही बोला एकदम, सिंकोना नाम के पौधे की बार्क से निकलता है क्विनीन, ये भी एक मेडिसिन है। चिंकोना की सिंकोना, और इस दुनिया में जितनी भी मेडिसिन यूज हो रहे हैं उनका 30% सोर्स, 30% सोर्स डायरेक्ट प्लांट से, और आयुर्वेद में लगभग 70-80 और 90% या 100% सोर्स केवल किससे, प्लांट से। तो प्लांट की जड़ी बूटियां काफी काम आती है, वो दवाइयों की तरह यूज होती हैं, कम से कम 10-20 तो तुम ही बता दोगे, सर लौंग खा लो, सर वो गिलोय खा लो, गिलोय पी लो, तुलसी की पत्ती ले लो, है ना, हरेरा, अबे तुम क्या बोलते हो, एलोवेरा, बोला एलोवेरा हमको हरेरा सुनाई पड़ा, प्याज, अरे यार जो तुम खा रहे हो हरा भरा वो सब दवा है, आलू दवा नहीं है, अबे आइटम होगा, ऐसे तो बर्फ भी दवा, जल गए तो फिर बर्फ लगा ली, इस्कॉन टेम्पल में सिखाया जाता था। अरे यार कोई भी चीज जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा वो कैसा करेगा, काम करेगा ना, वो स्काउट गाइड में सिखाया जाता था कि जब तुम जल जाओ तो आलू को काट के लगा लो ठीक रहेगा, तो मिर्चा काट के लगाओ, बहुत सपोर्ट मिलता है, बताओगे इतना,
हमें तो डाउट है, बताओ कि एसेंशियल ऑयल याद है? yes, आपकी बुक में कौन सा दिया? लेमन ऑयल, लेमन ग्रास। तो एक ही है कि हजारों बता दो? जितने प्रकार के इत्र उतने प्रकार के। जैस्मिन ऑयल हो सकता है? yes, sir. बेला का ऑयल हो सकता है? yes, sir. और सैंडलवुड। अच्छा, बस बस, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। एसेंशियल ऑयल के बाद हमने क्या पढ़ा? टॉक्सिन पढ़े। yes, sir. कितने? दो। एब्रिन और रिसिन। एब्रिन और रिसिन। एब्रिन किससे? एब्रस पेक्टोरिस। रिसिन किससे? थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? लैक्टेंस, कॉनकैना वैलिन ए, याद रहेगा? और उसके बाद क्या पढ़ा? ड्रग्स मतलब मेडिसिन। पता विंका रोजिया पौधा पढ़ा है? yes, सदा बहार। क्या उससे दो निकाली गई? बोलो yes, कौन? विन क्रिस्टिन, विन ग्लास। और एक कुरकुमा अमाडा थी? yes, उसे क्या निकाला गया? कुरकुमा। और कुछ बचा? yes, बोलो। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनमें पॉलीमर पाया जाए, पॉलीमेरिक। एक दिया गया है सेलुलोज, दूसरा दिया गया रबर, और कुछ दिया? और दिया गया गम्स। गम्स मतलब गोंद, रबर तुम समझते हो सूर्य बाबू, नेचुरल रबर। नियोप्रीन की कैप्रीन, मायोप्रीन। अरे छोड़ो यार, हमें क्या बताना। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में कितने? तीन। नंबर वन सेलुलोज, रबर। वैसे मुझे पूछना तो कल चाहिए, लेकिन मैं आज ही पूछता हूँ। बिना पेज देखे मैंने कोशिश की आपके दिमाग में लिखने की, अगर तुम बता गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो मैं समझ जाऊंगा। नोटबुक मत देखना। पिगमेंट में कितना दिया? केवल उतना बता दो इनसे। दो। पक्का? वाह मेरे बच्चे, शाबाश। पिगमेंट के बाद क्या दिया? एल्कलॉइड दो दिए, मैंने चार बताया। मॉर्फिन क्या है? पेन किलर। कोडीन क्या है? एक्सपेक्टोरेंट। कैफीन और थीन भी है चाय में? थीन कॉफी में। हटा दें इसे। अच्छा बताओ इसके अलावा लैक्टेंस, कौन कहना वैली ए, याद है? एसेंशियल ऑयल। टॉक्सिन याद है? एब्रिन और रिसिन। एब्रिन और शाबाश। इसके अलावा क्या हमने मेडिसिन देखी है? विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, कुरकुमिन। पक्का? इसके अलावा पॉलीमेरिक सब्सटेंस याद है? पक्का? तो इस तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने पढ़ लिए। अब बच्चों हमारी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। चाहता तो मैं शुरुआत में इसे बढ़ा देता। जाओ भाई कोई है? आप फोन करो, तब तक वो निकालो। एकदम शांत, जब तक है जान तब तक पढ़ो। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल चाहता तो मैं पहले दिन पढ़ा देता, लेकिन मैं एनसीईआरटी का पूरा सीक्वेंस फॉलो करता हूं, क्योंकि जब तुमको मैं पढ़ाऊं और घर जाकर के तुम पढ़ो तो तुम्हें अच्छा लगे कि यार सर ने पहले नहीं अभी ठीक पढ़ाया। उन्होंने बताया था कि जब हमने ऑर्गेनिक एनालिसिस की तो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिले, एक जो कपड़े में रुक गए थे, याद है? जो छने, इनका नाम था रिटेंटेड। रिटेंटेड याद आया? ये थे रिटेंटेड। और कुछ मटेरियल बेटा फिल्टर हो गया था,
जो मटेरियल फिल्टर हो गया था ये क्या था? फिल्टर है। अब जो जो मैं पूछूं बताते जाओ, अगर आपको आता है तो आप सही चल रहे हो, मैंने भी सही ढंग से पढ़ाया। बताओ फिल्टरेड एसिड, ये एसिड सॉल्युबल थे क्योंकि एसिड फिल्टर होकर के बाहर आया था। अगर कपड़े से एसिड बाहर आ गया तो जो एसिड के साथ आया वो, और ये एसिड इनसॉल्युबल। और बच्चा मैंने पढ़ाते वक्त तुम्हें बताया था, उसी दिन बताया था कि छन जिसका साइज छोटा की बड़ा, तो याद रखना फिल्टरेट में जो मॉलिक्यूल होंगे, फिल्टरेट में जो मॉलिक्यूल होंगे ये मोनोमेरिक होंगे। सुनो पहले क्या होंगे? मोनोमेरिक। पॉलीमेरिक की मोनोमेरिक? मोनोमेरिक मतलब एक यूनिट की मैनी यूनिट। और अगर मोनोमेरिक होंगे तो छोटे की बड़े, और इसीलिए इन्हें बोला जाएगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या सिंपली बायो मॉलिक्यूल्स, अगर कोई सिंपल बायो मॉलिक्यूल बोला तब भी आप माइक्रो ही समझिएगा। ये बात मैं नहीं एनसीईआरटी कह रही, कि या तो पूरा नाम लिखा जाए बायो माइक्रो मॉलिक्यूल तो छोटे हैं, और अगर कहीं बायो मॉलिक्यूल भी लिख दिया गया तब भी आप मैक्रो मानेंगे कि माइक्रो, और ये मोनोमर है कि पॉलीमर। और याद रखना रिटेंटेट वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, एक यूनिट की मैनी यूनिट, ये पॉलीमेरिक हैं, याद रखने की जरूरत है, दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर। और अगर ये पॉलीमेरिक हैं तो बेटा इन्हें बोलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो आज आपको तीन नाम सुनने को मिल गए। बताओ रिटेंटेट का दूसरा नाम मॉलिक्यूल, तीसरा नाम, और इनकी पोजीशन मोनोमर की पॉलीमर। ये बताओ फिल्ट्रेट का दूसरा नाम एड्स ऑर्डर, इनका नाम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर बायो मॉलिक्यूल, और बताइए ये पॉलीमर की मोनोमर। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन दोनों मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट देखना चालू किया। जब इन्होंने इनके मॉलिक्यूलर वेट देखना चालू किया तो देखा कि जो हमारे रिटेंटेड पोर्शन के लोग थे इनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन, मोर देन 10,000 डाल्टन था, बहुत ज्यादा था। डाल्टन एक यूनिट है मॉलिक्यूलर वेट को नापने। और जब माइक्रो मॉलिक्यूल के वेट नापे तो इन्हें छोटा सा छोटा माइक्रो मॉलिक्यूल 18 डाल्टन का मिला और बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल 800 डाल्टन का मिला। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल का जो रेंज था वो 18 टू 800 डाल्टन मिला। तब वैज्ञानिकों ने एक क्राइटेरिया पैदा किया, क्राइटेरिया। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं इट इज अ क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया के अनुसार उन्होंने 1000 डाल्टन को लिमिट माना, 1000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट, और बोला 1000 डाल्टन से जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और 1000 डाल्टन से जिनका भी कम है दे आर नोन एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ऑलरेडी लिखा हुआ है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। मजाक में मत लीजिएगा, ये सारी चीजों को पूछा जाएगा और सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है। बताओ कितने पोर्शन मिले थे? एक रिटेंटेड और एक जो नहीं छन पाया, जो छन के आ गया। छन के आने में एसिड था, एसिड सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? एसिड सॉल्युबल चीजें थी। जो नहीं छना वो, जो नहीं छना वो छोटा था कि बड़ा? हाँ, और जो छन गया वो छोटे वाले का नाम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बड़े वाले का नाम। और बट जब इनका मैंने मॉलिक्यूलर वेट देखा, मैंने कहा साइंटिस्ट ने देखा, तो छोटे वालों का रेंज 18 से 800 डाल्टन और बड़े वालों का मोर देन 1000 की 10,000। तो साइंटिस्ट ने क्या बनाया? क्राइटेरिया। कितने का?
1000 डाल्टन का। और अब डेफिनेशन लिखी, जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा, वो लोग सब सो जाते हैं इतनी देर में, ये सब ये काम नहीं कर रहे, इनके पास बस नहीं है। आज फिजिक्स की भी क्लास है क्या? कितने बजे से? खाना कैसे खाते हो? नहीं खाते? मिनिमम कितने घंटे का गैप चाहिए खाने में? 1 बजे छोड़ दे? नहीं छोड़े? चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हारी हालत देख ही नहीं चुकती, मुझे अपना समय आ जाता है, और जब मुझे अपना समय आता है यार तो मुझे लगता है ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब। वो देखो सोया जा रहा कैप लगा करके, ऐसे 2 झपकी मार चुका है, सही बताना। हाँ, और उसके बाद उसे लग रहा है हे भगवान अभी तो ये पका रहा है, और इसके बाद ये अत्याचार खत्म होने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम जागते रहो, और जहां तुम्हारा मन करे कि सर आज रहने तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा। नहीं कर रहा? अरे हम बिना पढ़ाए रह नहीं सकते, हमें और कुछ आता ही नहीं, बताओ। बस बस, अरे बस था, इस 1000 डाल्टन का क्राइटेरिया लिया, 1000 डाल्टन से ज्यादा तो, और 1000 से कम तो। अब ध्यान से सुनना बहुत गौर से, जब हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल को देखने लगे, पता लगाने लगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या क्या मिल रहा है, तो हमें खुशी मिली कि यहां पर बेटा मोनोसेक्राइड मिले। क्या मिले? मोनोसेक्राइड, मोनोमर की पॉलीमर? मोनोमर। यहां अमीनो एसिड मिले, मोनोमर। यहां नाइट्रोजन बेसिस मिले, दे आर मोनोमर, एटसेट्रा। जो भी मिला वो पॉलीमर मिला कि मोनोमर, इसीलिए साइज। यहां न्यूक्लियोटाइड मिले, क्या मिले? कल पढ़ाया मैंने, याद है? न्यूक्लियोटाइड इज पॉलीमर। तो जितने मोनोमर मिले वो तुम्हें मिले फिल्टरेट में, कहां पर? ऑरिटेंटेट में। अरे पढ़ ले, उधार का नहीं पढ़ रहा, रिटेंटेड में। तो बोलते हैं सर यहां मिली पॉलीसेक्राइड्स, बोलो क्या मिली? पॉलीसेक्राइड मतलब सेक्राइड की एक यूनिट की हजारों हजारों। यहां मिली पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स मिली, और प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। फिर से बोलो, अमीनो एसिड। यहां मिले डीएनए और आरएनए, डीएनए और दे आर न्यूक्लिक एसिड, बोलो किसके? न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब यहां मोनोमर मिले कि पॉलीमर, और सबका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम की ज्यादा। भैया सुन लेना, आप ध्यान से सुनना, यहां पर एक चोर मिला, इस चोर का नाम था लिपिड, बोलो क्या नाम? लिपिड। जब हमने लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट देखा, क्या देखा? तो वो 1800 से 800 डाल्टन की रेंज में था, और अगर ये 1800 से लेकर 800 डाल्टन की रेंज में था तो इसको कहां होना चाहिए? सो जाओ यार, मैक्रो की माइक्रो, लेकिन ये मिला कहां हमें? रिटेन। क्यों? क्योंकि लिपिड एक मोनोमर है। क्या है? मोनोमर। आप कहोगे लिपिड मोनोमर कैसे है सर, लिपिड भी पॉलीमर होते हैं। तीनों लिपिड याद करो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कहीं पर भी कोई यूनिट रिपीट नहीं, और रिपीट ही नहीं करी तो पॉलीमर। तो बताओ क्या है? इनका रेंज 1800 से 800 डाल्टन का मिला? Yes, sir.
तो क्वेश्चन एनसीईआरटी ये पूछती है कि बताओ ये ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल है कि स्यूडो? यस, इट इज अ फॉल्स और स्यूडो माइक्रोमॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि स्यूडो माइक्रोमॉलिक्यूल तुम्हें इसलिए बोला गया क्योंकि तुम बिलोंग करते हो माइक्रो से और पढ़े कहां हो? मैक्रो। क्योंकि मैक्रो में होते तो 1000 डाल्टन से कम होते कि ज्यादा? ज्यादा। और तुम हो कैसे? 1000 डाल्टन से कम। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है कि जब ये 1000 डाल्टन से कम था तो ये फिल्टर क्यों नहीं हुआ? व्हाई इट इज नॉट फिल्टर? क्यों फिल्टर नहीं हुआ? याद रखना, इसका कारण इनका साइज नहीं, सॉलिबिलिटी है। क्या है? सॉलिबिलिटी। बताओ, लिपिड वाटर सॉलिबल कि इनसॉल्युबल? एसिड सॉलिबल कि इनसॉल्युबल? अभी और पढ़ाऊंगा मैं, पहले इतना समझा दो, फिर मैं बताऊंगा लिपिड क्यों नीचे नहीं आया। उसका पूरा एक पैराग्राफ एनसीईआरटी ने लिखा है, घर जाके जब वो पैराग्राफ पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा। पर इतना तो तुम समझाओ, इसी में सो गए? समझा पाओगे? हटा दें? हटा दें? देखो कोशिश करते हैं, आया कि नहीं आया। आ गया तो राजा बाबू, बताओ टॉपिक का नाम क्या पढ़ा है? माइक्रो की मैक्रो? मैंने एनालिसिस की थी, दो पार्ट मिले थे, एक और एक जो नीचे आया था वो एसिड सॉल्युबल, और जो ऊपर आ गया छोटा कौन? एसिड। बड़ा कौन? यहां तक कहानी हमें पहले आती थी। आज क्या पढ़ा? क्या हमने इनका मॉलिक्यूलर वेट निकाला? Yes, जब मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो 18 से 8 डाल्टन निकला किसका? और 10,000 से ज्यादा? फिर हमने क्राइटेरिया बनाया, 10,000 का कि 1,000 का? हमने कहा 1000 डाल्टन से ज्यादा तो माइक्रो की मैक्रो, और 1000 से कम तो पक्का। फिर हम लोगों ने इनमें छानबीन चालू की कि माइक्रो में कौन और मैक्रो। माइक्रो में मिले मोनोमर की पॉलीमर? बताओ सुगर में सारी सुगर की मोनोसैकेराइड? अमीनो एसिड मिले? यस मिले। नाइट्रोजन बेस मिले? न्यूक्लियोटाइड मिले? सब मिले यहाँ। मोनोमर की पॉलीमर? और जब ऊपर देखा तो मोनोमर की पॉलीमर, मोनोसैकेराइड का पॉलीमर, अमीनो एसिड का पॉलीमर, प्रोटीन, अमीनो एसिड का पॉलीमर। सुन नहीं रहा? नहीं सुन रहा, चिल्ला रहा बस। ये बहुत गंदा। नीचे मिला था मोनोसैकेराइड, ऊपर तो मोनोसैकेराइड का पॉलीमर। तो मोनोसैकेराइड मिलेगा रिटेंटेट की फिल्ट्रेट, और पॉलीसैकेराइड ये फीलिंग होनी चाहिए। अमीनो एसिड फिल्ट्रेट की रिटेंटेट, फिल्ट्रेट प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, फिल्ट्रेट की रिटेंटेट। एक चोर मिला, नाम बताओ? लिपिड। अब सुनना, लिपिड को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। बोलते हैं जब हमने रिटेंटेट को देखा तो यहां एक चोर मिला, इसका नाम था लिपिड। लिपिड अगर बेटा कैरेक्टर में देखा जाए तो मोनोमेरिक है, ये और बात है कि बड़ा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बड़ा कंपाउंड है लेकिन मोनोमेरिक है। और मोनोमेरिक होने की वजह से इसका रेंज 18 से लेकर 800 डाल्टन का है, और अगर 18 से लेकर 800 डाल्टन का है तो इसको चुपचाप फिल्टर हो जाना चाहिए था। तो बोले काहे फिल्टर नहीं हुआ? सर ये बात बताओ। बोले फिल्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीचे जा रहा था एसिड। क्या जा रहा था? और ये भी चला जाता तो इसे एसिड को सॉल्व होना, सॉरी सॉल्युबल होना पड़ता। पर बताओ लिपिड इज एसिड सॉल्युबल की अब उन्होंने और एक्सप्लेन किया, और जो एक्सप्लेनेशन है वो कमाल की चीज है। आपके एनसीईआरटी में इस एक्सप्लेनेशन को लिखने पर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, बहुत सारे टीचर भी नहीं समझ पाते कि वो क्या लिखा। बोलते हैं जिस समय पर हम लीफ की ग्राइंडिंग कर रहे थे, लीफ को हम लोग पेस्ट बना रहे थे, ग्राइंडिंग कर रहे थे, किसी को याद है? Yes, मोटर और पेस्ट।
तो उस समय पर पूरी सेल टूट रही थी, सेल वॉल टूट रही थी, सेल मेम्ब्रेन टूट रही, और जब सेल मेम्ब्रेन टूट रही होगी तो सेल मेम्ब्रेन के मटेरियल भी टूट के उसमें घुल रहे होंगे, और सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है फॉस्फोलिपिड। फिर से बोलो, फॉस्फोलिपिड। भूल गए होंगे, और पढ़ाया गया कि फॉस्फोलिपिड के दो पोर्शन, एक हेड और एक हेड पोलर के नॉन पोलर, और टेल। बताओ कौन सॉल्युबल? पोलर सॉल्युबल है और नॉन पोलर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल। तो वो एसिड से बचने के लिए, एसिड से बचने के लिए अपने नॉन पोलर और पोलर को कंबाइन, सॉरी एक साथ करने लगे। जितने पोलर हेड थे वो साथ आने लगे, और जितने नॉन पोलर हेड थे वो दूर जाने लगे, और पोलर और नॉन पोलर हेड में सॉल्युबल पोर्शन एक साथ आया, इनसॉल्युबल पोर्शन एक साथ आया, और इस तरीके से लिपिड एक एक करके मिले कि वेसाइकल के रूप में, और वेसाइकल का साइज छोटा हो गया कि बड़ा है, और वो बेटा इससे पार। अगर लिपिड अकेले एक एक करके निकल पाता तो बताओ यहां मिलता कि फिल्ट्रेट, और ये निकल क्यों नहीं पाया? क्योंकि उसको सॉल्युबिलिटी से घृणा है, किससे? वाटर। और इसलिए सॉल्युबल लोगों ने इकट्ठा होना चालू किया, इनसॉल्युबल लोगों ने दूर होना चालू किया। पोलर हेड पास आए, नॉन पोलर हेड दूर गए, इनमें बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कोलेस हो गए, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कोलेस होकर के वे साइकिल बनाया। क्या बनाया? तो बताओ घी की बूंदें जब पानी में डाली जाती हैं तो वो फैल जाती कि वे साइकिल, और वे साइकिल का साइज छोटा कि बड़ा है? कितना बड़ा? कि कपड़े से छन जाए कि ना छने? इसलिए वो कपड़े से नहीं छना। तो इस पूरे वे साइकिल का साइज तो हजारों डाल्टन से ज्यादा है, लेकिन किसी एक मॉलिक्यूल का साइज 18 से 800। तो बताओ वो अकेले मिलेगा कि ग्रुप में मिलेगा? और इसीलिए वेसाइकल होने की वजह से, वेसाइकल बनने की वजह से वो फिल्टर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो बताओ वो ट्रू हुआ कि फाल्स? फाल्स। तो बताओ चार बेटा मॉलिक्यूल हैं जो माने जाएंगे मैक्रो। अब नाम बता दोगे मेरे को खुशी मिलेगी। मैक्रो मॉलिक्यूल में कितने लोग हैं? चार हैं, और चारों के नाम बता दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। पहला एक तो मिला सर पॉलीसेकेराइड, थैंक यू वेरी मच। दूसरा मिला पॉलीपेप्टाइड, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन, प्रोटीन, थैंक यू वेरी मच। तीसरा मिला पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, इन्हीं का नाम न्यूक्लिक एसिड। फिर से बोलो, और एक मिला लिपिड। फिर से बोलो, इसमें कौन ट्रू? तीन ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल कितने? तीन। बोलो कौन? पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉली, और कौन है फॉल्स? इट इज स्यूडो मैक्रोमॉलिक्यूल। आप क्वेश्चन का जवाब दो, नीचे जो आया था वो फिल्ट्रेट था कि रिटेंटेट? दिमाग तो पक चुका है तुम्हारा, जवाब आते नहीं, पर मैं भी हूं कि बस एक तरफ से झोंके पढ़ा हूं, पढ़ाए पढ़ा हूं, तभी मुझे तो और दुख होता है कि मैं तो पढ़ा रहा हूं तुमको पढ़ना नहीं। अब जवाब देना, जब मैंने पत्ती पीसी थी तो थोड़ी पीसी थी कि पूरी? पूरी। इसका मतलब पूरी पत्ती कितने भागों में बट गई? एक कौन? रिटेंटेड, और एक रिटेंटेड। और पत्ती जो बनी वो ईंट पत्थर की बनी? खास और ईंट पत्थर की बनी है। लीफ जो बनी है वो बनी है सेल्स की, किसकी बेटा? इसका मतलब जो सेल है वही है। जो लीफ में है वही है। अब बताओ इसका मतलब सेल के मटेरियल ही कहां गए होंगे? या तो कुछ और कर दिया करें बेटा, डांस वांस 15-20 मिनट के लिए जवाब दिया करो, नहीं तो बिल्कुल बहुत ध्यान से हमको समझाया करो। बताओ लीफ किसकी बनी है? तो लीफ का मटेरियल दो जगह बटा, रिटेंटेट और फिल्ट्रेट, और लीफ किसकी बनी है? तो हम कह सकते हैं सेल का मटेरियल कितनी जगह गया? एक कौन? और एक
और सेल हम जानते हैं दो चीजों की बनी है, एक तो साइटोप्लाज्म, फिर बोलो साइटोप्लाज्म, और एक है सेल ऑर्गेनेल, बोलो क्या सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ है मेम्ब्रेनस और कुछ non-membranous। कम से कम नाम तो याद कर ही सकते हैं, याद करें yes, बोलो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम याद है yes, कितने चार याद है yes, बोलो या गॉल्गी बॉडी, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम याद है और माइक्रोबॉडीज। तो कोशिका में जो कुछ है वही दो जगह बटा। और अब एनसीईआरटी कहती है कि चूंकि साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट सॉल्युबल जैसा दिख रहा है तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट स्मॉलर मॉलिक्यूल का होगा कि लार्जर का, तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म कुछ कुछ रिप्रेजेंट करता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की तरह, माइक्रो मॉलिक्यूल की तरह। ये और बात है कि साइटोप्लाज्म में बायो मैक्रो भी हैं, लेकिन ज्यादातर माइक्रो। लेकिन सेल ऑर्गेनेल का जितना मटेरियल है वो सब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब याद करने की कोशिश करोगे तो ये बुरा नहीं लगेगा अगर मैं बोलूं राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड, भूल गए, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, लगता मार मार के घुसा सही कर दे, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 70s और कुछ कुछ याद आया आइला 70s और 70s में 30s और 30s और 40s तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तीन दिन चिल्लाए हम और आज ये सुनने के आ रहा कि 70s इज 40s प्लस 30s। मार मार के घूसा सही कर देंगे हम। राइबोसोम याद है बदतमीज 70s में 50s 30s 80s में, और चाहे 30 हो चाहे 50 हो चाहे 40 हो चाहे 60 हो सब बने ईंट पत्थर के आरएनए और एंड आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज और प्रोटीन इज पॉलीमर, मोनोमर की पॉलीमर। तो हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल से जो निकलेगा वो मोनोमेरिक होगा कि पॉलीमर, और पॉलीमेरिक इज बायोमेट्रियल। और ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा रही, उस लाइन को घर में जाके अंडरलाइन कर लेना कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहां से निकलते हैं साइटो, और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहां से निकलते हैं साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल दोनों जगह से। तो अगर मैं बायो माइक्रो और बायो मैक्रो दोनों पढ़ लूं तो क्या मैं सेलुलर कंटेंट पढ़ लूंगा? यस। तो मुझे सेलुलर कंटेंट पढ़ना हो तो मैं पूरी सेल पढ़ लूं कि इन दोनों को पढ़ लूं? किन दोनों को? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो। तो जब सेलुलर कंटेंट देखा गया तो सेल में क्या क्या मिला, एक टेबल और दी, बोले किसी भी सेल में वाटर मिला 60-90%। लर्न करो कल पूछेंगे 60 की 70, चलो भाई 70-90% वाटर मिला। और किसी भी सेल में प्रोटीन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मिली 10-15%, तीसरे नंबर पर इट इज न्यूक्लिक एसिड नॉट द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो मिली 5-7%, चौथे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट जो मिले 3%, और इसके बाद मिले लिपिड 2%, और फिर सबसे कम मिले आयन 1%। लर्न कर लो बहुत आसान है, सबसे ज्यादा वाटर 70 से, प्रोटीन 10 का आधा 15 का आधा 7.5, बस 7 याद कर लो, तो 10 से
और पांच से सात, एवरेज आया छह, छह का आधा तीन, नहीं आया नहीं। तीन के बाद दो, दो के बाद एक, क्या क्या बोलो, एक, वाटर, वाटर 62, 72, प्रोटीन 10 से 15, पक्का 10 से 15% बताओ, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, और कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, आयरन 1, यहां तक पहुंचा पाओगे? यस सर। अब देखते हैं पहुंचा पाओगे कि नहीं, बताओ क्या हमारे रिटेंटेट में मैक्रो थे कि माइक्रो? मैक्रो। मैक्रो में मोनोमेरिक की पॉलीमेरिक? एक चोर भी था? यस सर। लिपिड था? यस सर। किसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से? तो ये रिटेंटेट में होना चाहिए कि फिल्ट्रेट? पर मिला कहाँ? क्यों? क्योंकि ये नीचे आया कि नहीं आया? आया नहीं, क्योंकि क्योंकि सॉल्युबल था कि इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होने के लिए वो एक एक में रहा कि वेसाइकल में, और वेसाइकल का साइज छोटा कि बड़ा, और वो इस वजह से नीचे, और वेसाइकल बनाना लिपिड का नेचर है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते वक्त भी बताया था कि बताओ सारे पोलर हेड एक साथ आने की चाहते हैं, नॉन पोलर एक साथ। फिर बोला जो लीफ में था, जो एक्चुअली वही सेल में था, तो अगर मुझे सेल का कंटेंट पता करना है तो हमें लीफ का कंटेंट ही सेल का कंटेंट मानना पड़ेगा। और हमें मालूम चला कि सेल में दो बड़े पोर्शन, साइटोप्लाज्म और सेल आउट। साइटोप्लाज्म चूंकि थोड़ा थोड़ा लिक्विफिकेशन है, तो बड़े बड़े की छोटे छोटे, तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहां से? साइटोप्लाज्म होंगे, और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कुछ साइटोप्लाज्म, ज्यादातर सेल ऑर्गेनल से निकाले जाएंगे। और फिर हमने कहा अगर मुझे सेल का कंटेंट पढ़ना है तो एक को पढ़ेंगे दोनों को, और जब दोनों को पढ़ा तो सेल का कंटेंट मिला, और कंटेंट ये था वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट 3%, और 2%, और आयरन। अगर अपनी बॉडी का शेप बैलेंस चाहते हो, शेप, तो आपका फूड ऐसा ही होना चाहिए, यानी खाना खाते वक्त क्या ज्यादा लें? वाटर पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाटर मिलेगा सैलेड्स में, तो ज्यादा से ज्यादा सैलेड्स खाएं, सलाद खाएं, खीरा ककड़ी ये सब खाएं खाने में। दूसरे नंबर पे प्रोटीन, दाल ये सब खाएं, पल्सेस। ध्यान से सुनो यार, फिर इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी करते रहे। तीसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, अगर अपनी बॉडी को बैलेंस रखना चाहते। चौथे नंबर पर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, रोटी और चावल बहुत कम होना चाहिए, और थोड़ा बहुत घी, बहुत ज्यादा की बहुत कम, यानी ऑयल और फैट बहुत कम, और नमक सबसे ज्यादा वे आइटम होगा। तो खाना खाते वक्त याद रखो, क्योंकि सेलुलर कंटेंट डिसबैलेंस हुआ तो बॉडी का शेप भी डिसबैलेंस। अगर आप अपनी बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं तो जो सेल में पाया जाता है वैसा ही खाना खाएं। बताओ खाना खाते वक्त पानी वाली चीजें ज्यादा लें, जैसे कि सैलेड्स। दूसरे नंबर पे पल्सेस। और भाई साहब अगर आपको एक इनविटेशन मिल जाए तो आप सुबह से खाना खाना बंद कर दें, क्योंकि आप पेट में जगह चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि रात में जैसे ही बेटा खाना खुलेगा टूट पड़ेंगे। अब देखो आदमी कहता है यार मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं तो अच्छा खाता हूँ। अच्छा नहीं खाते हो, गंदा खाते हो। देखो जैसे ही प्लेट खुली, आपने शगुन वगुन तो बाद में देना है, और वो भी 51 रुपए, और तुमको कहा 51 देना है तो 250 का। अब आप क्या करते हैं, टूटते हैं, पनीर कहाँ, पनीर कहाँ, पनीर कहाँ। कुछ लोगों ने कहा पनीर कम हो रहा, भागे कहाँ है उधर, और कूद पड़े। पनीर इज प्रोटीन, और इसमें खूब सारा घी पड़ा होता है।
यानी बहुत ऑयली होता है ये। आपको ऑयल कम खाना चाहिए, आप खा रहे हो पनीर। इसके बाद आपने बोला भैया ये बताइए मिठाई कहाँ है, मिठाई सुगर आइसक्रीम कहाँ है, चाउमीन कहाँ है, डोसा कहाँ है, चिल्ला कहाँ है। पहले तो एक एक बार चक्कर काट के आप सब जगह टेस्ट करके आते हो, भैया ये क्या है चिल्ला अल्लाह, ये क्या भैया गाजर का हलवा अल्लाह, रसगुल्ला अल्लाह, इसका चाउमीन अल्लाह। एक रेंज मारे आपका पेट तो पेट ही है भर गया। अभी आप कह रहे अभी तो खाना, फिर आप दो मिनट तक घूमते रहे भाई साहब खाना खाओ अभी नहीं आधा घंटा बाद। फिर आप टूटे पनीर पर, उसके बाद नान। नान में क्या है कार्बोहाइड्रेट, और सलाद की तरफ देखा भी नहीं, ये अच्छी सलाद कौन खाता है। किसी ने दूसरे को देख करके एक आधा प्याज एक आधा टमाटर रख भी लिया, कुछ ने नींबू रख लिया, बोले सलाद पूरा। इसके बाद जो आप घूम घूम के खाए हैं भाई साहब, उसमें आपने क्या ज्यादा उड़ाया, कार्बोहाइड्रेट और जब एक कार्बोहाइड्रेट लिपिड बढ़ा तो बॉडी में क्या बढ़ा, फैट। सिक्स पैक एट पैक की फैमिली पैक। तो वो डाइट जो बैलेंस होगी, जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो खाना खाते वक्त रोटियां कम, चावल कम, हरी सब्जी ज्यादा, सलाद ज्यादा, नमक कम, मिठाई कम, नहीं पता लगा रसगुल्ले दो चार पांच डाल लिए, फिर चाहे उल्टी हो जाए, है ना। हाँ और क्या। तो भैया ये है कंटेंट, मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि आपको याद रहे। वाटर 72-90 पक्का, वाटर 72-90% है भाइयों बहनों, शाबाश। दूसरे नंबर पर प्रोटीन कितना, 10 से 15 मेरे बच्चे। न्यूक्लिक एसिड 500, कार्बोहाइड्रेट 3% और लिपिड, और पक्का। और अब एनसीईआरटी आपको याद दिलाती है कि चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो, माइक्रो को मैंने पढ़ा दिया, बोले कब पढ़ा दिया, अमीनो एसिड पढ़े कि नहीं पढ़े। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रिलैक्स होकर सुनो, वरना तुम्हारी कोई भी वजह मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इसको फील ही नहीं कर पाते। ये वाला रीजन माइक्रो के मैक्रो, और ये वाला मैक्रो। तो एनसीईआरटी कह रही मैंने माइक्रो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, मैंने मोनोसैकेराइड पढ़ा दिए, यस और नो, मैंने अमीनो एसिड आपको पढ़ा दिए, नाइट्रोजन बेसिस पढ़ा दिए, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा दिए। तो अब बारी किसकी है, माइक्रो की मैक्रो, और मैक्रो में कितने लोग, पॉली प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है। सौभाग्य से हमने आपको लिपिड भी पढ़ा दिए। तो अब अगले तीन टॉपिक क्या होने चाहिए, प्रोटीन पॉलीसेक्राइड न्यूक्लिक एसिड। देखो एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है, देखो क्या क्या अगले तीन टॉपिक। अगला टॉपिक प्रोटीन, फिर पॉलीसेक्राइड, फिर नहीं आया तो बताओ। हमारे पास अगले तीन टॉपिक हमें मालूम है, क्योंकि हम लोग कौन सा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, मैक्रो की माइक्रो। तो मैक्रो में कितने लोग, चार, चार में एक पढ़ लिया है, कौन लिपिड, बचे कितने, तीन, दो, चार में एक गया बचे दो, तीन, बोलो कौन, प्रोटीन पॉलीसेक्राइड। प्रोटीन पढ़ोगे, टीचर जरा सा लूज हो जाए, जरा सा लूज हो जाए कि चलो आज जल्दी छोड़ देंगे, तो कभी नहीं कहोगे कि सर आज आधा घंटा ज्यादा पढ़ा दो, हम ही से केवल लड़ाई लड़ लो। तो हम अपना टाइम चाहे तुम्हें काट काट के दें, और जब कोर्स पूरा नहीं होगा तो सबसे ज्यादा गालियां तुम हम ही को दोगे। लोग एक दिन में एक बैच की एक क्लास लेते हैं, मैं एक दिन में एक बैच की दो क्लासेस लेता हूं, यानी इफेक्टिवली मैं 6 दिनों में 12 क्लासेस ले रहा हूं आपकी।
बोले काहे ले रहे हो, छह ले हो, तीन ले हो, और छह ले हो के तीन ले हो के कोर्स पूरा, या फिर कोर्स पूरा करने का नाटक होगा। या तो तुम कहो मैं कोर्स पूरा करने का नाटक कर दूं, मैं इन्हीं चैप्टर को ऑनलाइन पढ़ाते वक्त एक एक चैप्टर को डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लासेस में निपटा देता हूं। बोलते हैं सर वो भी समझ में आ जाता है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर मैंने डेढ़ घंटे में आपको फास्ट डिवीजन में पढ़ा दिया। बोल बच्चे तब भी कहते समझ में आ गया, लेकिन मैं एक चैप्टर को 10 दिन से लगाकर पढ़ा रहा हूं, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, इसका मतलब मैं कोर्स को निपटाना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप पढ़ो और तब निपटे, निपटाना होता तो 2 दिन में निपट गया। तो अगर आपका टीचर आपके साथ है तो आप उसके साथ नहीं रहेंगे? सर रह तो सकते हैं लेकिन शरीर जवाब दे जाता है। अब प्रोटीन तो पढ़ के जाओ, भटकती आत्माओं की तरह चिल्लाने लगे सर सर कल 2 बजे तक पढ़ाऊंगा पक्का, जाओ खुश रहो। Thank you.